प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। विवेकानंद गए थे अमेरिका एक बार, तो कहीं से रास्ते से गुजर रहे थे तो फ्रूट की दुकान देखी, वहाँ से उन्होंने फल खरीदा, एप्पल खरीदे। छोटा सा बच्चा सड़क के उस पार देख रहा था कि ये भगवा वेशधारी हैं और सिर पर वो पटका बांधा हुआ है, लगता है इंडियन, मतलब हमारे देश का नहीं है, विदेशी है। उसने एप्पल ख़रीदा, वो भी वहाँ से गुजर रहा था तो कुछ पैसे उसके पास थे, एक एप्पल ख़रीदने वो भी वहाँ पर पहुँचा और उसने तोल कर 1 किलो एप्पल दिए दुकानदार ने। जब विवेकानंद लेकर मुड़े पीछे तो उस बच्चे ने कहा कि मिस्टर आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, पर एप्पल मुझे दो ना थोड़े, आपके हाथ में जो है। तो विवेकानंद ने एक निकाल कर दिया, बोले नहीं मुझे पूरा आपका बैग चाहिए जिस पॉलीथिन में आप एप्पल लेके जा रहे हो। उसमें से दो एप्पल निकाले और उसने जो दो खरीदे वो एप्पल उसने डाले। तो विवेकानंद ने उस छोटे से बच्चे को पूछा, 10-12 साल का होगा, उसको पूछा कि बेटा ऐसा क्यों किया आपने, एप्पल तो एप्पल है, इस एप्पल में क्या खासियत है। बोले ये जो एप्पल है ना इसमें दाग है बहुत सारे, इसीलिए मैंने इसको एक्सचेंज किया, तो कि आप जिस देश के होंगे ना उस देश में जब जाएंगे ना तो आप ये ना कहें कि इस देश के लोग पैसे लेकर लूटते हैं और गंदी चीज़ देते हैं, मेरे देश का नाम खराब होता है, इसीलिए मैंने एक्सचेंज कर दिया। क्या बच्चों की, जिस देश के बच्चों में ऐसी देशभक्ति होती है वो देश को उन्नत होने में क्या देर लगती है। इसलिए हमारी नीम, हमारा करेला, हमारा गौमूत्र अमेरिका पेटेंट करवाता है, क्योंकि हमें वैल्यू ही नहीं है ना, हमको कीमत ही नहीं है उस चीज़ की। नीम हमारे यहाँ होता है, उनके वहाँ नीम ही नहीं होता, और पेटेंट आप जो गोलियाँ ठोकते हो ना उसका पैसा उधर जाता है कुछ कुछ पे। योग यहाँ का है कि यहाँ के योगासन जो यहाँ सीख कर जाते हैं, ऋषिकेश में आके पड़े रहते हैं लोग 4-4 साल 5-5 साल, वहाँ से योग सीख के जाते हैं, वहाँ डॉलरों में चार्ज करते हैं, जो आपको यहाँ पर ओ मुफ्त में कराते हैं ना तो उसकी कदर नहीं है। वहाँ सांस खींचने का भी पैसा लेते हैं, हाँ हाँ सांस आपकी, ऑक्सीजन परमात्मा का, पर खिंचवाए अगर कोई तो डॉलर चार्ज करता है। कहा जाता है आने वाले समय में योग अगर पेटेंट हो गया तो हम यहाँ योग करेंगे और हमें पैसा अमेरिका को देना पड़ेगा। हम बहुत अकल वाले हैं ना, इसीलिए लाखों लाखों की जनता थी हिंदू, 200 लोग थे केवल, उन्होंने अपनी चलाई, क्योंकि हमें अपने देश के लिए मान नहीं है ना। गुरु के शिष्य तो हैं पर गुरु के लिए सम्मान कहाँ है। तो हम अपने कर्तव्यों में निष्ठ नहीं है। जितना सत्संग सुनते हैं हमको लगता है सब बस माला करो तो भगवान मिल जाएगा। हरिद्वार में बहुत लोग हैं गले में गौमुखी डाल के माला घुमाने वाले, पूछना उनको कितना मिला है। गले में गौमुखी डाल के बहुत लोग माला करते दिखेंगे आपको ना। शस्त्र है, और अगर हमारे दूसरे हाथ में शस्त्र उठाने की ताकत है तब हम सफल हैं। हमारे देवी देवता भगवान जो करता है ना सब ठीक करता है, भगवान की मर्जी, ईश्वर जो सब व्यवस्था अच्छी है। हाँ है, है। हमारे भगवान किसको मानते हो आप, कितने भगवानों को जानते हो बताओ, नाम नाम बताओ। राम जी, राम जी के कंधे पर क्या दिखता है, वो तो देवता है। कृष्ण सुदर्शन चक्र है ना, शस्त्र है। एक और शास्त्र बता रहे हैं, दूसरी और शस्त्र भी चलाते हैं। शास्त्र और शस्त्र का बैलेंस है ना। हम तो नियत थे बैठे, माला से क्या लड़ेंगे हम, माला से कैसे लड़ोगे। ओह और कौन किसको जानते हो, भोले भंडारी कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, उसके पास भी शस्त्र है।
त्रिशूल है ना। फिर उसके पास तो तीसरी आंख भी है, अगर खोल दे तो भस्मीभूत हो जाए, फिर भी शस्त्र रखते हैं। और कौन से भगवान का नाम बताओगे? अंबा, हाँ अंबा के पास क्या है? तलवार है। हमारे हर देवी देवता आपको यही शिक्षा देते हैं, शास्त्र के साथ शस्त्र लड़ने की कला सीखो, ऐसे ही दूसरे आके राज कर जाएंगे आप पे। एक अकेले संत की जिम्मेदारी थोड़ी होती है धर्म की रक्षा करने की, सबकी होती है। अपन अपने मन की उलझनों से ही ऊपर नहीं आते, क्या कर ले। और कौन से भगवान को जानते हो? हनुमान, राम का नाम है ना, नाम है ना, पर जरूरत पड़े तो गदा भी तो उठाते हैं ना। ये थोड़ी जाके ओ लंका में उसकी सभा में जाके ऐसे बैठ गए, राम 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 राम, पूंछ जलाओ इसकी, राम राम राम। तो हम क्या मतलब ये क्या वेदांत क्या सिखा दिया वेदांत ने, निठल्ला नेता ऐसे ही बस लेजी केयरलेस ऐसा बनाना थोड़ी सिखाता है वेदांत। ये थोड़ी कहता है कि आत्मरक्षा नहीं करो, ये धर्म की रक्षा ना करो, धर्म की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है कि नहीं है, बताओ सही है कि नहीं। फिर ऐसे भोजू भोंदू बन के थोड़ी पड़े रहना। आपने तो यहाँ असुरों का नाश करने के लिए महिषासुर मर्दिनी पैदा हो जाती, प्रकट हो जाती, नौ नौ दिन युद्ध करती है नौ नौ स्वरूपों में, शाकंबरी कात्यायनी चंडी काली महाकाली है नहीं है, फिर नाम है ना आपके पास, फिर क्या सिखाते हैं। फिर भी हम देखते हैं, फोटो भी देखते हैं, कुछ नहीं भगवान कर से जे कर से, तो बुद्धि है ना मटे आप ही, भगवान खवड़ा वे हथ नाकिन मोडू मोडम खाओ छो जाते, तो बुद्धि क्यों नहीं चलाता, बुद्धि क्यों नहीं चलती। कोई नहीं भगवान करशे, तो मारन मारी नाक उतार जातने, भगवान करशे जीवाड़शे बीजू शू। तो अपने धर्म के प्रति, धर्म का प्रचार के प्रति सजग होना चाहिए, वो समय दूर नहीं। हमारे ही बच्चे या तो किसी मुसलमान या तो किसी क्रिश्चियन के चुंगल में होंगे और हम उनकी गुलामी करते होंगे। सजग होना चाहिए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाओ, भागवत के बारे में ज्ञान दो, आपके बच्चों को दो और बच्चों को दो, समझे तो दो ना समझे तो भी दो। इसीलिए हम अभी वैदिक समर कैंप शुरू किया ना, ताकि बच्चों को हिंदुत्व के प्रति हमारी इतिहास क्या है उसके प्रति सजगता तो आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो इन सब चीज़ों का, हम ब्रेव बनाते हैं बच्चों को, हम हिम्मत वाला बनाते, हम माता पिता के प्रति सम्मान करना सिखाते हैं। किसको नहीं चाहिए सम्मान आजकल, हम इसीलिए तो भूले क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं। अमेरिका में तो पाँच 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 साल के बच्चे होते हैं ना, माँ बाप पर केस डाल देते, पता है आपको हैं? अगर माँ अगर जोर से बोली ना तो पुलिस को फोन कर देते हो, ऐसा हमारे यहाँ भी होगा। बड़े बच्चे तो अब देते ही हैं धमकियाँ, हमारी संस्कृति का क्या, माँ बड़ी हो जाती बूढ़ी हो जाती है और बच्चा खेती से, बच्चा कोर्ट से, लॉयर है तो कोर्ट से, डॉक्टर है तो, तब तक इंतज़ार करती है जब तक बेटा नहीं आता, बेटा खाना खा ले साथ में बैठ के खाना, ये हमारी संस्कृति है और ये उनकी संस्कृति है। पाँच साल का बच्चा माँ बाप पर केस करे, हम भी इसी श्रेणी में आने वाले हैं थोड़े दिनों में, अगर हमने नहीं दिया तो जगह नहीं तो।